पाकिस्तान की बैटिंग ने आज जिस तरीके से जवाब दिया है, भले ही विकेट गिर गए जी, बैकआउट शकील और सलमान आगा की बैटिंग, ये तो नेक्स्ट लेवल है भाई, जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। और देखना है आज अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट पर ये देखना है ना कि पाकिस्तान ने बैटिंग कैसे की है, तो आपको सिर्फ 46 ओवर के गेम में दो मेडन ओवर नजर आएंगे। आप मुझे बता दो आखिरी बार पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कब हुआ था कि पाकिस्तान के बल्लेबाज हर ओवर में रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी आगा सलमान और सौद शकील, इन दोनों ने पाकिस्तान की टीम को इतना शानदार कमबैक दिलवा दिया है, एक ये एक आपको न्यू पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूं, दिस इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। मैंने बहुत समय से इस तरह की क्रिकेट देखी नहीं है पाकिस्तान, एक नया झोंका है ये। जिसको आप बोलते हो यार ये क्वाइट रिफ्रेशिंग फॉर क्रिकेट। साउथ शकील और आगा सलमान ने जो एक शेकी स्टार्ट होता है उसे जिस रिकवर कराया पाकिस्तान की टीम को, कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है। साउथ को तारीफ करनी पड़ेगी, वहां पर शकील की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। कितने मैच का एक्सपीरियंस है उसको, 6-7 मैचेस में इतनी मैच्योरिटी। शकील की आप बैटिंग देखो ना, ये मुझे ब्यूटी लगी आज। 45 ओवर खेलकर 221 आपने कर दिया। आपको पता है काउंटर अटैक भी उसको करना आता है और उसको कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी आती है भाई, क्या तो रेंज है बंदे भाई की। आप जयसूर्या को दो दो चौके लगा रहे हो एक ही ओवर में, छक्का मार रहे हो, छक्का मार रहे हो आप उस तरीके से। अभी जो सिचुएशन है उसमें ये कहा जा सकता है कमांडिंग पोजीशन में डेफिनेटली नजर आ रही है कमांडिंग, लेकिन आपने इतनी जबरदस्त वहां पर क्रिकेट खेली यार, ये बदलाव है। पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट में बदलाव तो करा, एक आपके बेस्ट बॉलर जयसूर्या की पिटाई करी, काउंटर अटैक करा है, हल्की क्रिकेट नहीं खेली है, डिफेंसिव क्रिकेट का नाम तक नहीं लिया है भाई वहां पर जिस बॉलर को खेलते हुए।